हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं आज नवरात्रि की वेट लॉस वाली एक डिश लेके आई हूँ और बहुत ही टेस्टी होने वाली है, बहुत ही हेल्दी है, आपके स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा उसको खाने से। मतलब बहुत ही टेस्टी है, जिसे मैं कभी कभी लंच में ले लेती हूँ, दोपहर में ले लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं उसे डिनर में भी ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं उसे डिनर में प्रिफर करती हूँ तो मैं 7:30 तक उसे फिनिश कर देती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में, यानी कि अगर आपने इसे रात में बनाया है तो आप सुबह इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलेगा। और मैं 4:30 बजे आपको मेरा ये वीडियो मिलेगा, देन 10 बजे मैं लाइव आऊंगी। तो सबके लिए रेडी रहिएगा, टाइम निकाल के रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 5 टमाटर लेना है। ये मैं एक लोगों की क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी लीजिएगा। मैंने मीडियम साइज़ के लिए है, आप चाहे तो बड़े साइज़ के ले सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छे वॉश करना है और एक क्लीन पैन में आपको इसमें पानी डाल के इसे बॉयल करना है, और तब तक बॉयल करना है जब तक ये बीच से, यानी कि स्किन जो है वो आपको उतरती हुई ना दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जो स्किन है वो उतरने लगी है। तो आपको इसे तब तक बॉयल करना है जब तक अच्छे से स्किन टमाटर से अलग ना हो जाए, वो आपको पता चल जाएगा 5 से 10 मिनट में। तो आपको इसे तब तक बॉयल करना है, और इसके बाद आपको एक पैन में, और वो जो टमाटर हैं आपको उसे ठंडा होने के लिए रख देना है, उसकी स्किन को आपको पील ऑफ कर लेना है, देन आपको उसे मशीन में पीस लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि उसे ठंडा होने पे ही पीसिएगा, वरना मशीन से है जो हैंड ब्लेंडर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मिक्सर में उसे पीस रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, ठंडा होने पर पीसिएगा। मैं यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी यूज़ कर रही हूँ, तो देसी घी ही यूज़ करिएगा, और ज़्यादातर लोग व्रत में देसी घी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग तीखा रखिएगा। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक मीडियम उसमें तीखा खाती हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 तीखी मिर्च डाल रही हूँ, जो बहुत तीखी नहीं है, ठीक ठाक है। सो मैं इसमें 2 तीखी मिर्च डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो पल्प रेडी किया था, यानी टमाटर को पीस लिया था, आपको वो पीस के इसी कढ़ाई में डालना है और थोड़ी देर बॉयल करना है, यानी कि जब तक ये थिक ना हो जाए। आपको जिस भी क्वांटिटी में चाहिए उसमें आपको थिक करना है। 5 मिनट लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा कम क्वांटिटी में है तो आपको 5 मिनट लगेगा। धीरे आँच में ही करिएगा, थोड़ा सा थिक क्वांटिटी आपको खाने में भी बनेगा। आप चाहे तो पतला रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थिक खाती हूँ इसीलिए मैं थिक क्वांटिटी में ही इसे बनाती हूँ। इसके बाद आप जिसमें भी इसे निकालना चाहें, मैंने एक सर्विंग बाउल में इसे लिया है और एग्जैक्ट इतनी ही क्वांटिटी मैं रेडी करती हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं 5 टमाटर में इतनी क्वांटिटी रेडी हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग डबल कर सकते हैं, बड़े साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग करेंगे इसकी। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूंगी, लेकिन अगर आप इसे नाइट में लेंगे तो प्लीज़ ध्यान करके 7-7:30 के बीच ले लीजिएगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर लंच में ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर जो लो फैट वाला पनीर होता है, मैं वो वाला पनीर ले रही हूँ। आप अगर नॉर्मल पनीर अगर लंच में लेंगे तो नो प्रॉब्लम, या ये डिश आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ढेर सारा हरी धनिया डालूंगी, क्योंकि हरी धनिया का स्वाद और फ्लेवर और खुशबू मुझे पसंद है। आपके मन पर है, आप डालिए ना डालिए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल लग रहा है, और आप अपने लाइफ में खाने में जितना ज़्यादा कलर ऐड करेंगे आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा अच्छे सिग्नल आपको देगी। इसे इंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा खाने में। आई होप गाइज आपको मेरा ये डिश काफ़ी पसंद आई होगी। मैं और जो लोग इसे शेयर करना चाहते हैं, ऊपर जाके एक शेयर का एरो बना होगा, आप मेरा ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।